नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रॉप डाउन बटन के बारे में। आप ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन होता क्या है, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। आप यहां पर देखेंगे हमने कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं, उनके स्टेट्स के पिन कोड्स लिए हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम कोई भी स्टेट यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस बटन पर क्लिक करते हैं, इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने वो सभी स्टेट्स यहाँ पर शो हो जा रहे हैं। और जब हम इसमें से कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं, यानी इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं, तो होता क्या है, उसी स्टेट का हमारे सामने पिन कोड यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल दिल्ली को लेकर दिखाता हूँ आपको। दिल्ली लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो पिन कोड है वो सभी दिल्ली के यहाँ पर पिन कोड शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैच कर सकते हैं इसको, किसी को कहा जाता है ड्रॉप डाउन। ये आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आज हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ स्टेट्स लिए हुए हैं और उन स्टेट्स के हमने यहाँ पर पिन कोड्स लिख रखे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस भी स्टेट पर मैं क्लिक करूँ उसका पिन कोड यहाँ पर शो हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेट्स को सिलेक्ट करना होगा। स्टेट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सेल एड्रेस के पास यहाँ पर आपको इसका क्राइटेरिया नेम चेंज करना होगा, यानी यहाँ पर हम इसका क्राइटेरिया नेम दे देंगे स्टेट, यानी ये जो स्टेट है ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए इसको टाइप कर लेते हैं और इसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हुआ क्या, इस सभी सेल का एड्रेस जो था वो स्टेट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे हमारे दिल्ली का जो पिन कोड है वो ये है, हरियाणा का पिन कोड ये है, राजस्थान का पिन कोड ये है और उत्तर प्रदेश का पिन कोड ये है। इन सभी एरियाज को सिलेक्ट करेंगे, यानी सभी पिन कोड्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके इस क्राइटेरिया पर हम यही सेम स्टेट नेम दे देंगे, यानी कि ये सभी पिन कोड्स हमारे किसके हैं, वो दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे दिल्ली। दिल्ली लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। इसी तरीके से आप इस वाले पिन कोड को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी आप दे देंगे नाम हरियाणा। इसके बाद आपको राजस्थान को सिलेक्ट करना है, यानी राजस्थान के पिन कोड को सिलेक्ट करना है और यहाँ नाम दे देना है आपको राजस्थान और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसी तरह से आपको यूपी का पिन कोड सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है सिंपली यूपी। हमने यूपी लिख दिया, एंटर प्रेस किया हमने और हमारे क्राइटेरिया का नाम यहाँ पर सेट हो चुका है। तो एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, सीधे स्टेट पर जाना है। डेटा टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा डेटा वैलिडेशन। आप यहाँ पर देखेंगे आपका डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके से और इसके अंदर आपको करना क्या है, इसमें आपको एनी वैल्यू की जगह पर ले लेना है लिस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट नजर आ रही है, हम यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सोर्स का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने क्राइटेरिया नेम स्टेट का दिया था वही सेम नाम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, लेकिन उसके सामने इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर यूज करेंगे इज इक्वल टू। इज इक्वल टू यूज करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेट्स और उसके बाद सिंपली प्रेस कर देंगे एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद हुआ क्या, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी स्टेट्स थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं, यानी उसका ड्रॉप डाउन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टेट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ उसका पिन कोड ही यहाँ पर शो होना चाहिए इन सभी स्टेट्स में से। तो अब ये पॉसिबल कैसे होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सेम उसी तरीके से आपको डेटा टाइप के अंदर जा करके डेटा वैलिडेशन को फिर से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस से लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी ये जो सोर्स नजर आ रहा है यहाँ पर हम एक फॉर्मूला इनपुट करेंगे। तो फॉर्मूला होगा हमारा इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेना है जो हमने स्टेट का ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था उसकी रेंज ले लेनी है आपको और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे आपका यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने दिल्ली सिलेक्ट किया तो दिल्ली का जो पिन कोड था वो यहाँ पर हमारे सामने शो अप हो गया, ये देखिए। और अगर हम यहाँ पर स्टेट को चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने हरियाणा ले लिया, तो यहाँ पर जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हरियाणा का जो पिन कोड है वो यहाँ पर शो अप हो गया। तो ये था हमारा मल्टीपल ड्रॉप डाउन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।